आप सबको मुबारक देना चाहूँगा कल बड़ी अचीवमेंट हमने की और हमारे शेष ने हमारी PCR रिप्रेजेंट किया एक क्रिकेट टूर्नामेंट में और उसका नतीजा जो है इस ट्रॉफी की जगह खुदा की जात के अनगिनत पहलू है। अगर हम महदूद खुदा की शरीफ
पर होते तो हम शायद सारे एक जैसे थे। लोग उमन सवाल करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि अगर हम सारे गुदामन की शरीर पर है, गुदामन की तरह है, तो फिर हम सारे डिफरेंट डिफरेंट ही है। यही वजह है क्योंकि हम गुदामन की तरह, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो हमारा गीत है। हालांकि दुनिया में अगर 7 बिलियन लोग हैं, ऑल ऑफ दोस पीपल कैन रिलेट टू द लॉर्ड पर्सनली, वो सारे लोग जो है गुदामन से पर्सनल कनेक्शन रखते हैं। हमारी मुझे बड़ा गर्व होता है कि मेरी फेसबुक पे जी इतने हजार लोग हैं, मैं रील भाई को देखता हूँ उनकी फेसबुक पे, मेरे से भी डबल है। उसके बाद मैंने हिसाब के उस पर चले जाए उससे बहुत ज्यादा लोग हैं, ठीक है। ओबामा की अगर फेसबुक पे देख लें या ट्रंप की देख लें तो बहुत ही ज्यादा लोग हैं, किसी सेलिब्रिटी को उठा लें बहुत ही ज्यादा लोग, लेकिन लिमिट, दे कैन ओनली गो एंड रिलेट टू सम पीपल। लेकिन खुदावंद खुदा एक ऐसी जात है कि हर शख्स उसको रिलेट कर सकता है, खुदावंद के साथ चल सकता है। So, ये कप जो है, ये तोहफा जो है, ये इनाम जो है, ये हमारी भक्ति खुशी है, लेकिन हमें परमानेंट इनाम दिया जाने वाला है। आज सुबह हम कराची में बात कर रहे थे, वो स्काइप पे कलाम की, तो मैंने बताया कि भाई हम सब के लिए खुदा ने जमीन वहां पर अलॉट की हुई। जो शख्स तौबा करके बपतिस्मा ले लेता है, आपका एक प्लॉट वहां पर जो है खुदा बना देता है कि ये मेरे बेटे का घर, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह से आए। उस दिन हम कितनी दुआ करें तो मैंने माता की हमें घर मिलना चाहिए, एक ऐसा घर जो कि बहुत जल्द हमें मिलने वाला है। लेकिन बाइबल कहती है कि बहुत सारे खाक में सोए उठ खड़े हुए बास हयाते अब्दी के लिए और बास जिल्लत और रुसवाई के लिए। तो हमें ये तायुन करना होगा कि हमारी चाल कैसी है, हमारा चलन कैसा है, कि हम सही नाम के हकदार हैं। इफिसियों के खत की हम स्टडी कर रहे हैं, इफिसियों का खत उसका पहला बाब और उसकी हम 15वीं आयत से 23वीं आयत तक आज हम क्विकली देखेंगे। इफिसियंस चैप्टर 1:15 ऑनवर्ड्स लिखा है कि इसी सबब से मैं भी इस ईमान पर जो तुम्हारे दरमियान खुदा यीशु मसीह पर है सब मुकद्दसों पर जाहिर है हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता। मैं जो हमने इफिसियों के चर्च के बारे में पढ़ा था कि इट वॉज अ वेरी एक्टिव चर्च, उसके अंदर बहुत कुछ होता था, उसके अंदर जबरदस्त जो है वो चीजें आती थी, उसके अंदर जो है वो रूहानी जंग हो रही है, इफिसियों की कलीसिया में परसिक्यूशन हो रहा है, इफिसियों की कलीसिया में जो है वो लोग निजात पा रहे हैं, लोग शिफाएं पा रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि बाइबल ने बताती है कि वो एक ऐसी कलीसिया थी जिसका ईमान जो है, जिसके ईमान की खबर जो है वो मुकद्दसों पर जाहिर हुई, जिसके ईमान की खबर दुनिया के कोने कोने में थी। और आपको मैं ये कह सकता हूँ कि यूनाइटेड सी फेलोशिप एक ऐसी जमात है, एक ऐसी कलीसिया है जिसके ईमान की खबर जाती है, ईमान की खबर जाती है, क्योंकि दुनिया के कोने कोने में आज मैं फेसबुक पर यहाँ पर बैठे हैं एंड पीपल लिसन टू आवर सॉन्ग, पीपल लिसन टू द प्रीचिंग व्हिच हैपेंस हियर। लोग जो है हमारे ईमान की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि हम जब यहाँ पर आए हैं ये बहुत सारी गवाही है, इसके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि जब इस कलीसिया में हमने कदम रखा तो हमने फील किया कि अब हम यहीं के होकर रहेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा का रूह यहाँ पर काम कर रहा है। और ये बात पौलुस ने इफिसियों के बारे में कही कि मैं तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता क्योंकि तुम्हारा ईमान जो खुदा यीशु मसीह पर है वो मुकद्दसों पर जाहिर होता है। लेकिन एक चीज याद रखें कि अगर इतनी बड़ी कलीसिया थी, यही वो इफिसस की कलीसिया थी जिसके बारे में खुदा ने कहा था कि ख्याल करके खुदा जिसके बारे में कहा था कि तूने पहले से मोहब्बत छोड़ दी है और तू अगर नहीं बाज आएगा तो हमें जो है वो देखना है कि ऐसी कलीसिया जो ईमान में बहुत आगे बढ़ गई, ऐसी कलीसिया जो जो कि मुकद्दसों पर मशहूर हो गई, ऐसी कलीसिया जिसकी मिसाल दी जाती है, दैट वाज स्टिल वल्नरेबल याद रखे। सो हमें क्या है कि हमें हलीमी के साथ, हमें खुदावंद के खौफ में रहते हुए, हमें दिलेरी के साथ, हमें ईमान जाहिर करने से बाज नहीं आना और शुक्रगुजारी करनी है। और इस कलीसिया के जो लीडर्स हैं हम शुक्रगुजारी करें, जब दुनिया के कोने कोने में हम जाएं तो लोग कहें कि अच्छा आपने यूनाइटेड सी फेलोशिप दी है ना, पीपल मस्ट से कि अच्छा आपकी वो चर्च है, हमें बड़ी बरकत मिलती है। और आपको मालूम नहीं है अजीजों
कि उस कलाम और उन गीतों के सिलसिले से जो यहाँ से जाते हैं और हम सोशल मीडिया पर जब हम उनको देखते हैं तो कितने लोग हम तक वापस आते हैं, कहते हैं कि हमारी जिंदगियां बदल गई। उस दिन यहाँ पर हमें गीत गाए थे ऐ मेरे पाप को तर, हम सारे मिलकर इस गीत को गाए और मैंने उसको फेसबुक पर डाला। एक बहन ने नीचे कॉमेंट किया कि मैं इस गीत को सुन रही थी और मैं खुदा के रूह से मामूर हो गई और मैं आप लोगों के स्क्वायर के गीत को सुन रही थी और मैं गैर जुबानी बोलने लगा। वो कितनी देर से वो बेचारे जो है वो कोशिश कर रही थी, दुआएं कर रही थी, वो खुदा के रूह से मामूर। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के कि हम गंगीरों को खुदा ने इस काम के लिए चुना। और आपको पता है कि दुनिया के नालायक का कोई खुदा नहीं, बाइबल ये बताती है कि उसने इस जहान के निकम्मों को चुना ताकि अकल वालों को हिकमत वालों को शर्मिंदा करे। और फिर आगे जाकर कहते हैं कि हमारे खुदा ने इस विस्तार में आए हैं, हमारे खुदा ने इस मसीह का शुक्र हो जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशवे की रूप बख्शे। ये दो चीजें हैं जिनको हमने अपने लिए मानना है, हिकमत की रूह और मुकाशवे की रूह। हिकमत की रूह क्यों जरूरी है? क्योंकि बाइबल यीशु मसीह के बारे में बताती है। मैं आप देखते हैं लूका की इंजील, जब यीशु मसीह का वो वाक्या होता है जब हैकल में पीछे रह जाते हैं, तो आगे जब वापस अपने फैमिली के साथ चले जाते हैं तो मुझे मोसेस को देखते ही हमेशा याद आता है, मोसेस के छोटा सा बच्चा था फिर ऐसा सा बड़ा हुआ। इमेजिन करेंगे मोसेस 12 ईयर्स का है, जैसे अभिषेक अभिषेक 14 साल का है, तो ये जीसस वाज सिमिलर है 12 साल सेम एज है, आज से 2 साल पहले की बात। एंड ही बाइबल कहती है कि उसने उस्तादों को जो है वो हैरान कर दिया और जब वापस गए तो 52 भी आए हैं क्या लिखा पहले बात के 22 वर्ष कि यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता है। सो क्या हुआ है कि कदोकामत में बढ़ा लेकिन साथ में पहले क्या लिखा है हिकमत में बढ़ा। और पागलों के फलों को अगर हम देखें मेरे साथ देखें पहला करतियों उसका 12वां बाब और उसकी 8वीं है, नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत या सबसे ऊपर नेमत कौन सी है? क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है। सो हिकमत की रूह को हमने मांगना है कलाम से, हिकमत की रूह को, चलाकी की रूह नहीं, हिकमत की रूह। वाइज होना डिफरेंट है, इंटेलिजेंट होना डिफरेंट है। बाइबल ये भी कहते हैं कि सांप की मानो होशियार है, हमें चलाक नहीं होना, हम ठीक है चलाक हैं लेकिन खुदा के कलाम को अगर हमें समझना है तो हमें हिकमत को मानना होगा, मार्फत को मानना होगा। और आपको पता है लोग चलाकी के ना होने की वजह से नहीं मारे जाएंगे बल्कि लिखा है कि अदमे मार्फत से, लैक ऑफ नॉलेज, हिकमत के ना होने की वजह से लोग जो है वो मारे जाते हैं। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो बादशाह हैं, सुलेमान बादशाह ने खुदा से क्या मांगा? हिकमत मांगी और खुदा को ये चीज पसंद आई और उसके बेटे ने क्या किया कि हिकमत से काम नहीं लिया और सल्तनत जो है वो टूट गई। और बड़े बड़े लीडर्स दुनिया के जो है उनको कहते हैं कि कानून इनको इनके मशीन जो है वो बनवा देते हैं क्योंकि वो हिकमत की बात नहीं करते, लेकिन हमें खुदा की हिकमत को मानना है। और दूसरी रूप कौन सी मांगी है? मुकाशवे की रूप। हिकमत कैसे आएगी? जब हमें खुदा के कलाम का मुकाशवा होगा और मुकाशवा कब मिलेगा? जब आगे लिखे कि हमारे दिल की आंखें रोशन हो जाएंगी। और हमने जब रूहानी जंग के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि एक हमें जो खुदावंद से तोड़ा मानना है, एक ब्लेसिंग माननी, वो क्या है? बसारत की, बसीरत की रूह को मानना है। दिल की आंखें कब रोशन होती है? कि जब वो कहता है कि मेरे मालिक दुश्मन की फौजों ने हमें घेर लिया है और वो नबी क्या दुआ करता है कि खुदावंद इसकी आंखों को खोल, दिल की आंखों को खोल। और जब वो देखता है कि दुश्मन की इतनी बड़ी बड़ी फौजें जो उसको नजर आ रही थी कि जब दुश्मन के हजार बंदों ने मुझे घेरा हुआ और जब उसकी आंखें खोली तो उसने देखा कि लाखों की तादाद में फरिश्ते वहां पर आकाशीय रथों पर बैठे हुए थे और वह हिल गया, उसने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है दुश्मन की फौज। जब हमारी आंखें खुल जाएंगी, जब हमें हिकमत मिल जाएगी, जब हमें मुकाशवा की रूह मिल जाएगी, तब आप पर देखने का नजरिया बदल जाएगा, जिंदगी की तरफ देखने का। आपकी जॉब चली जाएगी, आप ऐसे नहीं कहेंगे वो मेरी जॉब चलेगी, अब मैं क्या करूंगा, मैं बच्चों को कहां से पालूंगा, हाय में मर गया, ठीक है ना, हाय में मर गया, लोग ऐसे सोचेंगे। लेकिन तब आप कैसे सोचेंगे? खुदा मेरे लिए नया बोले, आपका नुकसान होगा तो आप ये नहीं कहेंगे वो मेरी क्या होगा मेरे साथ, आप कहेंगे खुदा ने मुझे कैसे खूबसूरत बात सिखा दी, मेरे लिए खुदा आगे की जो है
बरकत दी और खुदावन जो है वो बरकत का खुदा है। तो हमें कलीसिया, अगर आप चाहते हैं एज अ चर्च एकसियों की कलीसिया के माने आपका ईमान जो है दुनिया पर जाहिर हो तो आपको ये चीजें माननी होगी। आज से हमने आपको पता है कि हमने जब पूरी सीरीज की वेपन्स की तो अब तक हम उसको अपनी दुआ का हिस्सा बना कर बैठे हैं, ठीक है। हम खुदा से मानते हैं। आज से ये टास्क है, होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है, मुझे इसको होमवर्क मिलता है, मिलता है आपको जी, आपको मिलता है होमवर्क क्या है, हम सब को मिलता है होमवर्क, हम सब मसीह के स्टूडेंट्स हैं। होमवर्क क्या है कि हमने ये तीन चीजें खुदावन से मांगी है, रोज मांगी है, हिकमत की रूह, मुकाशफे की रूह और दिल की आंखों का रोशन किया जाए। ये तीन चीजें मांगे खुदावन से, ठीक है। और लिखा है ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिराज के जलाल की दौलत के समय कैसी है। हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी कुदरत क्या ही बेहतर है, उसकी बड़ी कुवत की तासीर के मौके। अब जो नेक्स्ट पार्ट वो कर रहा है, ये बेसिकली ये हमारा स्टेटस है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस वी विल नॉट बी एबल टू विन इन द स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और एक चीज आपको याद दिलाना चलो कि जो हमारी रोजमर्रा की मसीही जिंदगी है वो आम जिंदगी नहीं है। बाइबल बताती है कि हमारी जिंदगी जो है वो फतामंद जिंदगी है। कौन सी जिंदगी है? फतामंद मसीही जिंदगी। आप अगर सिर्फ मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप गलत मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको मसीही जिंदगी नहीं फतामंद मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको कौन सी जिंदगी? बाइबल बताती है कि उसने फतह से बढ़ हमें गलबा दिया। तो फतामंद मसीही जिंदगी कैसी होनी चाहिए? फतामंद मसीही जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए हाय मेरा लाख मिनट बैठ गया। फतामंद मसीही जिंदगी कैसी होनी चाहिए कि लंगड़ा उसके सामने आया, उसने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं तुझे यीशु के नाम पर उतर देता हूं, उठ कर चल और वो उछल कर खड़ा हो गया। हालेलुया। फतामंद मसीही जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि हमारी जिंदगी में ऐसा काम हुआ जाए कि दुनिया को बता दे। यीशु ने उसे कहा कि तू किसी को ना बताना कि ये किया है, बल्कि उसने जाकर सारे लोगों को बता दिया। हालेलुया। फतामंद मसीही जिंदगी ऐसी हर तरह की हुकूमत
हर तरह की हुकूमत के ऊपर है। आपने अगर हुकूमत से घर लेना है, आपने अगर हुकूमत से वीजा लेना है, आपने अगर हुकूमत से अपने लिए जो है वो कारोबार का परमिट लेना है, आपने अगर हुकूमत से कुछ भी क्लेम करना है, आपको क्या करने की जरूरत है? बाइबल ये बताती है कि उस हुकूमत के ऊपर कौन बैठा है? खुदावंद यीशु मसीह बैठा है। हर तरह के इख्तियार, अगर किसी भी चीज का इख्तियार है, किसी भी चीज का, चाहे रूहानी है, उसके ऊपर कौन है? यीशु मसीह। हर तरह की कुदरत, हर तरह की रियासत, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, वहां पर किसका इख्तियार है? खुदावंद यीशु मसीह का। और हर तरह के नाम से बहुत ज्यादा बुलंद कर दिया, जो ना सिर्फ जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी दिया है। सो मुर्दों में से जिंदा यीशु का फायदा क्या है आपको? आप अगर कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को मानना चाहिए, क्रिश्चियन हो गए, तो उसका आपको क्या फायदा है? कि हम एक ऐसे शख्स पर ईमान रखते हैं जो मुर्दों में से जिंदा है। और अगर वो मुर्दों में से जिंदा है तो उसका फायदा क्या है? कि बिकॉज ही इज अलाइव, हालेलुया, बिकॉज ही लिव्स, क्योंकि वो जिंदा है, इसलिए वो हुकूमतों, इख्तियारों, कुदरतों और रियासतों और हर नाम से ज्यादा ऊपर है। लेकिन उसका हमें क्या फायदा? ये तो यीशु मसीह को फायदा हुआ, ये तो यीशु मसीह को दारा कुछ मिल गया, हमें क्या फायदा हुआ? हम पर ये चीज कैसे अप्लाई होती है? मुर्दों में से यीशु मसीह के मरने और जीने को आप अपनी जिंदगी में कैसे हासिल कर सकते हैं? कोई भी होता है, हमने किया होगा बपतिस्मा के थ्रू। कैसे? बाइबल ये बताती है कि जब तुम पानी में जाते हो तो मसीह की मौत के मुशाबा उस बपतिस्मा को लेते हो, हालेलुया, मसीह की मौत के मुशाबा उस बपतिस्मा को लेते हो। और पानी में जाते हैं तो मसीह की कब्र में, जैसे मसीह कब्र में जा रहे हैं, हम भी कब्र में, मौत के निशान, जब पानी से बाहर आते हैं तो जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम भी मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठे। और जब मसीह मुर्दों में से जी उठे तो कहां पर जाकर बैठ गए? आसमानी मकानों में जाकर बैठ गए। और जब हमने बपतिस्मा ले लिया है तो हम क्या कर सकते हैं? कि सेम अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो खुदा ने यीशु मसीह की, आप हुकूमतों के ऊपर आप। और यही चीज आगे जाकर की है, लिखा है कि सब कुछ यीशु के पांव के नीचे कर दिया और सब चीजों का सरदार बनाकर उसको किसको दे दिया है? कलीसिया को दे दिया, हालेलुया, कलीसिया को दे दिया। और ये उसका बदन है, यानी ये जो आप लोग बैठे, हम उसी की मकबूली की बात कर रहे हैं, सबका मकबूल कर रहे हैं। सो यीशु मसीह तो आसमान पर बैठे, लेकिन यीशु मसीह के इख्तियार को कौन अमल में लाएगा? कलीसिया। इसका मतलब ये नहीं कि खुदावंद हर जगह पर मौजूद नहीं है, मौजूद है, लेकिन वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हालेलुया। सो ये मैंडेट किसके पास है? किसको ये इख्तियार दिया? आपने ये सब कुछ करना है, यीशु के मरने और जी उठने और सर की हुई वो सब ड्यू किसने करना है? आपने और मैंने, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह को देकर, यीशु मसीह किसको दे दिया गया है? दुल्हा और दुल्हन को दे दिया गया, मसीह को सरदार बनाकर मसीह कलीसिया को दे दिया। So, एक चीज याद रखना मेरे जिंदो, इनाम की बात हमने की थी शुरू में, एक चीज हमें सोचनी होगी, इस दुनिया के अंदर अगर कोई खुदा की बादशाही को ला सके, इस दुनिया के अंदर अगर कोई खुदा की बादशाही को इस्टेब्लिश कर सके, इस दुनिया के अंदर कोई खुदा की बादशाही को प्रैक्टिस कर सके, इस दुनिया के अंदर अगर कोई खुदा की बादशाही को इम्प्लीमेंट कर सकता है और उस चीज का इख्तियार रखता है, वो कलीसिया है, ठीक है, वो कलीसिया है। जो चर्च है, कलीसिया है, दैट इज द मैंडेट टू ब्रिंग द किंगडम। और इसको अगर किंगडम को इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? इसमें क्या था कि तब तक ठहरे रहना जब तक फूल का लिबास तुम्हें होना। सो कौन सी तीन चीजें हैं? तौबा और बपतिस्मा जो है मसीह के मरने और जी उठने को हमारी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। जब वो अप्लाई हो जाते हैं तो देन वी शेयर द सेम अथॉरिटी, लेकिन उसको इख्तियार के साथ हमने क्या करना है? हमें पावर भी चाहिए। आपको पता है कि जब मैंने पहले भी मिसाल दे ली कि पुलिस वाले को वर्दी जब दी जाती है तो उसको इख्तियार दिया जाता है, क्या दिया जाता है? अथॉरिटी, ताकि दूर से आ रहे हैं तो लोगों को पता चल जाए कि इसके पास अथॉरिटी, दैट पर्सन कैन स्टॉप मी, दैट पर्सन कैन सर्च। लेकिन आगे से कोई ऐसा मुजरिम हो जो बहुत ही बिगड़े, ओके, मैंने तो आता है, ठीक है ना, मैंने, मैं मुझे नहीं, आगे आप देने वाले भी लोग, लेकिन उसके पास फिर क्या होगा? पावर दिए, वो पावर क्या उसके पास? पैपल, वो अपनी फिर जान निकालेगा और उसको कहेगा इफ यू डोंट डिसिप्लिन मी, ठीक है। सेम वे, सेम वे आपको इख्तियार भी दिया गया है और आप
इख्तियार कर दिया गया है कि आपने खुदा की बादशाही में दुनिया में राज करना है, तेरी बादशाही उसको राज करने के लिए अगर इब्लीस के तासीर इब्लीस आके टेढ़ी टेढ़ी करे और वो लानत बनाए तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए खुदा ने क्या दिया है, पाक रूह दी है, पाक रूह की नेकियां बदल दी। और बदली क्या है, तुम सब जितने मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, मसीह को उनको पोशाक दी गई और उसको अमल बनाने के लिए पाक रूह दिया गया। खुदा मदद करे।